जय हिंद प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए जिनका आपके बाद जेरफ क्वालिफाई हुआ है। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपने जेरफ क्वालिफाई किया, आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया, आपने बहुत अच्छी खासी मेहनत की जिसका फल आपको मिल चुका है कि आपका जेरफ हो गया है। तो यहाँ पर ये जो आज का वीडियो है केवल उन्हीं मेरे प्यारे साथियों के लिए जिनका जेरफ क्वालिफाई है, ये नेट क्वालिफाई वाले कैंडिडेटों के लिए ज़्यादा फायदे वाला वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को केवल वो देखें जिनका जेरफ क्वालिफाई है, साथ ही साथ वो कैंडिडेट भी देख सकते हैं जिनका जेरफ क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होगी कि जब हमारा जेरफ क्वालिफाई हो जाएगा तो हमें और भी बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें और भी बहुत सारे गुड अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि यदि आपने जेरफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप जेरफ क्वालिफाई करके क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हो, आप कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हो, जेरफ के दम पर आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा फायदे मिलने वाले हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जेरफ क्वालिफाई करने के बाद में सबसे पहला फ़ायदा मोस्टली सबको पता है कि भाई हम जेरफ क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद PhD करेंगे, लगभग 27-28 लाख रुपए का हमें फेलोशिप मिलेगा, ठीक है, सबको पता है। जेरफ क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि कहीं पर अप्लाई करते हैं तो हमें नेट क्वालिफाई वाले कैंडिडेटों को 5 नंबर का और जेरफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को 7 या 8 नंबर का या 10 नंबर का कुछ इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। ये बातें सबको पता है ओवरऑल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट काउंट करवाने वाला हूँ जो स्पेशली केवल जेरफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को मिलते हैं, साथ ही साथ वो शायद ही कुछ कुछ लोगों को पता होती हैं और जिन लोगों को पता होते हैं वो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। देखो, ये 3 एक्स्ट्रा फायदे हैं जिनके बारे में हर किसी को नहीं पता और ये केवल जेरफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को मिलते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर एज ए रिसर्चर स्कॉलर अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है, एक शोधकर्ता के रूप में वहां पर आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि केवल जेरफ वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जो जेरफ क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो एज ए रिसर्च स्कॉलर वहाँ पर काम कर सकते हैं, जिनको 2 तरीके से सैलरी मिलेगी, एक तो आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड करवाएंगे वो लोग, प्लस में आपको सैलरी का अमाउंट भी देंगे। तो फेलोशिप तो साथ के साथ आप PhD करते रहेंगे वहाँ से, तो आपको क्या मिलती रहेगी, PhD की फेलोशिप मिलती रहेगी जो आपको 27-28 लाख मिलने वाले हैं वो, प्लस में वहाँ पर एज ए रिसर्च स्कॉलर काम करने के रूप में आपको एक्स्ट्रा सैलरी और पे करेंगे। तो इस तरीके से आप PhD के साथ साथ में ही सैलरी भी कमा सकते हो। तो कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो एज ए रिसर्च स्कॉलर की वैकेंसियाँ निकालते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियों की संख्या बिल्कुल कम होती है, 5-7-10 ही होती है और उस तरीके से काम होता है, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कुछ ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं जहाँ पर भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओनली नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, PhD की अब मैंडेटरी को हटा दिया गया है। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी होती हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो जेरफ वाले कैंडिडेटों को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, हर इंस्टीट्यूट इस तरीके से काम नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो केवल जेरफ वाले कैंडिडेटों को इस तरीके का एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जॉब निकलती हैं जहां पर केवल जेरफ वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एज ए साइंटिस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर वो केवल जेरफ वाले कैंडिडेटों को ही अप्लाई करवाते हैं, जेरफ वाले कैंडिडेटों को हायर कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होते हैं, ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जहां पर जेरफ वाले कैंडिडेट अप्लाई करके और बहुत ही शानदार वाला मौका उठा सकते हैं, वो भी PhD के साथ साथ, और एक्स्ट्रा अमाउंट कमा सकते हैं, जितना उनको फेलोशिप मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा रुपए वो वहाँ पर कमा लेते हैं, साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था सिस्टम। अब आप इन वैकेंसियों से अपडेट कैसे रहें कि कहाँ पर PhD की वैकेंसी निकल रही है, कहाँ पर एज ए रिसर्च स्कॉलर की वैकेंसी निकल रही है जिसके लिए केवल जेरफ वाले कैंडिडेट चाहिए, कहाँ पर ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है जिसके लिए केवल जेरफ वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जहाँ पर केवल जेरफ वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी से आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पर मैं आपको ऑलवेज अपडेट करता रहूंगा। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा जो जेरफ वाले कैंडिडेटों के हित में होगा तो मैं वहां पर उस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो यदि आपका सपना है
जैरफ के साथ साथ एक्स्ट्रा कमाना, जैरफ के साथ साथ एक एक्सपीरियंस गेन करना, और एक आपके जो जॉब का डर है, अब आप जैरफ क्वालिफाई करने के बाद में अब मन में हो गया होगा कि अब मेरे को जैरफ तो हो गया, अब मेरे को फेलोशिप उठानी है और फिर मेरे को जॉब लगना है। तो आप जब एज ए यहाँ पर काम करने लग जाओगे, पीएचडी के साथ साथ ही काम करने लग जाओगे, तो आपके मन से वो जो जॉब का डर है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। ध्यान रखें, इस ग्रुप को केवल जैरफ कैंडिडेट ही ज्वाइन करें, विदाउट जैरफ वाले प्लीज़ ना ज्वाइन करें इस ग्रुप को। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।